2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर केबीसी में स्पेशल कर्मवीर एपिसोड का आयोजन किया गया। कर्मवीर में उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने समाज कल्याण में अपना योगदान दिया है। इस बार कर्मवीर स्पेशल में भारत में सुलभ शौचालय के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक शामिल हुए और उनके साथ देश में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिलाने वाले नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह भी शामिल हुए। अमिताभ ने दोनों से ही सवाल जवाब किए, लेकिन दर्शक चौंक तो तब गए जब आसान से सवाल पर जाकर डॉक्टर बिंदेश्वर और आशीष सिंह दोनों ही अटक गए। दिन भी गांधी जी का था और दोनों ही गांधी जी से जुड़े सवाल पर अटक गए और जवाब बताने में असफल रहे। उनसे पूछा गया था कि गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ है, जो कि पटना में है। इस सवाल के जवाब के लिए दोनों को ही लाइफलाइन का उपयोग करना पड़ा। इसके लिए फ्लिप क्वेश्चन लाइफलाइन का उपयोग किया गया। ये टाइम थोड़ा असमंजस भरा रहा, लेकिन दोनों ही कर्मवीर इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे। शो में आशीष सिंह से सवाल किया गया कि प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किस भाषा में लिखा गया है, और उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता था। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट हेल्प की मदद ली। एक्सपर्ट के तौर पर वहां पर रोहित सरदान मौजूद थे। उन्होंने सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन साथ ही निगम कमिश्नर को ताना भी मार दिया कि मुझे लगा था कमिश्नर साहब ने चंद्रकांता देखा और पढ़ा होगा। आशीष सिंह ने केबीसी में 12 लाख रुपए जीते। डॉक्टर बिंदेश्वर और निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने अमिताभ के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने पूछा कि यहाँ पर कितने लोगों ने सुलभ शौचालय का इस्तेमाल किया है। इस पर कई लोगों ने हाथ खड़े किए और अमिताभ ने भी कहा कि सुलभ शौचालय बनने से उन्हें भी काफी सुविधा हुई है, नहीं तो कई बार उन्हें किसी की दुकान या लोगों की घर में जाकर बाथरूम यूज करना पड़ा है। इस पर डॉक्टर बिंदेश्वर ने बैठे बैठे अमिताभ को वहां एक नुस्खा बता दिया कि अगर वो कहीं इमरजेंसी में फंस जाए तो उन्हें पेशाब रोकने के लिए क्या करना चाहिए। बिंदेश्वर ने बताया कि अपनी हथेली पर छोटी उंगली के पास वर्गाकार घुमाने से पेशाब 2 घंटे तक रुक जाती है। अमिताभ ने यह अपने हाथ पर किया और फिर बिंदेश्वर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब चरण स्पर्श। बिंदेश्वर शो में 12 लाख रुपए जीत पाए। बिंदेश्वर को भारत में सुलभ शौचालय का जनक कहा जाता है और वे अब तक भारत के 1750 शहरों में तकरीबन 9500 पे एंड यूज शौचालयों का निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा कर चुके हैं। उनकी मुहिम से करीब 15 लाख से ज़्यादा घरों में शौचालय भी बन चुके हैं। देश के साथ विदेशों में भी उन्होंने इसके लिए काम किया है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही शो में आशीष सिंह ने भी कई सवालों के जवाब दिए और उन्होंने भी 12 लाख रुपए जीते। इसके साथ ही आशीष सिंह ने इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड पर जो 13 लाख टन मैट्रिक कचरे को नष्ट कर जो बगीचा बनाया गया है उसके बारे में बताया और इंदौर को देश में सफाई में नंबर 1 बनने के बात भी सभी के सामने रखी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।